संभव है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 2 अनफॉरगेटेबल वॉल्ट डिज्नी। ओके, इस लेसन का नाम क्या है? अनफॉरगेटेबल वॉल्ट डिज्नी, यानी कि अविस्मरणीय वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी के बारे में हम जानते हैं, कौन है ये, इसने डिज्नीलैंड बनाया है। ओके, तो ये जो लेसन है ये लेसन वॉल्ट डिज्नी के बारे में वॉल्ट डिज्नी ने बताया है। जो वॉल्ट डिज्नी है वो वॉल्ट डिज्नी के भाई हैं और उन्होंने वॉल्ट डिज्नी के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन बताया है। ओके, तो सबसे पहले हम उसकी ग्रोसरी देखेंगे। ग्रोसरी में पहला वर्ड आता है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। दूसरा वर्ड है फीचर। फीचर यानी आकृति। क्रू, क्रू का मतलब होता है कर्मचारी। लिंगर, लिंगर का मतलब होता है रुका हुआ। एनकाउंटर, सामना होना। प्रोड्यूसर्स, निर्माता। टू द राइटर्स, प्रोड्यूसर्स एंड एनिमेटर्स हू वर्क विद मी।
bringing fun and pleasure into their homes. ठीक है, तो जो कि टीवी शो मिलियंस लोग देखते हैं, लाखों लोगों की टीवी शो देखते हैं, तो उनके लिए ये कैसे थे, बहुत ही खुशनुमापूर्ण काइंड, यानी कि बहुत ही दयालु पर्सनैलिटी आए, यानी कि व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, जो उनके घरों में एक मनोरंजन और खुशी प्रदान करते थे. और मेरे लिए वो मेरा एक छोटा बहुत ही अद्भुत सा भाई था, फुल ऑफ इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स दैट ही मेड कम ट्रू. और उसके सपने कैसे थे, इम्प्रैक्टिकल, यानी कि जो सच ना हो.